शहीद मेले इंडिया के द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला शहीदों की दास्तां में आज प्राथमिक स्कूल चनेपुर छबेलीपुर में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ शुरू हुआ। और आपको बता दें, इस अवसर पर शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को याद किया गया। इस अवसर पर शहीद मेले के संयोजक राज त्रिपाठी ने बच्चों के बीच बेवर की क्रांति व वेवर के शहीदों के जीवन से रूबरू कराया। वहीं कई प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के मन को भी टटोला। इंदौर से आए राहुल इंकलाब ने बताया कि 30 अप्रैल 1908 को हुए एक बम धमाके ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इसे अंजाम देने का काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। कार्यक्रम का सफल संचालन अध्यापक सुरजीत शाक्य ने किया। वहीं कर चले हम फिदा जाने तन साथियों का कर बच्चों का मन जीत लिया। इस अवसर पर किशन चतुर्वेदी, सुरजीत सिंह, किरण बाला, नितिन गुप्ता, दीपक सागर, शिव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। अमूल्य निधि कह लीजिए कि उन्होंने हमारे देश को इस लायक बनाया कि हम अपने देश में स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। आज से पहले अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें बच्चों, तो हमारा देश ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमको दिखता है। हम अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीकों से जी ही नहीं सकते थे। अच्छा, आप बताओ, आपके घर में अगर नियम कानून किसी दूसरे का चले तो कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? अगर कोई डिसाइड ये करे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है और कैसे रहना है, दूसरा डिसाइड करे तो कैसा लगेगा? नहीं, कैसा लगेगा? नहीं, बताओ, सोच कर बताओ। कोई दूसरा बताए कि आपको कब खाना है, आपके मम्मी पापा कब पीना है, कब क्या करना है, कोई दूसरा व्यक्ति बता के, दूसरे गांव का व्यक्ति मान लो आ जाए या कहीं दूसरे देश का आ जाए और वो आपको कहे नहीं, आपको इसी टाइम पे ही करना है, ऐसे ही जीना है, तो कैसा लगेगा? आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। तो बस आज से 50-60 साल पहले का हमारा जो भारत था वो ऐसा ही था। तो उन्होंने इस मकसद से शहीद हुए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेगी, किसी की स्वतंत्रता में वो नहीं जिएंगे। तो इसी पे गीत सबने सुना होगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथी। किसी को पता है कुछ? ये तीन लोग शहीद हुए थे, इनकी याद में बोला शहीद खड़े होकर बताओ किसके लिए लगता है? शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी, इसलिए हम उन्हें क्यों श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मेला लगा। ठीक है, और हमारे बीच राहुल इंकलाब जी इंदौर से आए हुए हैं, इन्होंने भरत सिंह जी के जेल नोट्स पे इसको तैयार किया है, उसकी किताब लिख ली है। कौन थे गांधी? कोई एक बताएगा? कौन बताएगा? आप बताओ कौन? हमारे देश के महात्मा गांधी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता। गांधी जी का पूरा नाम कौन कौन बता सकता है? पूरा नाम क्या था उनका, कौन बता सकता है महात्मा गांधी का पूरा नाम? अच्छा, बेवर के शहीदों का नाम आपको याद है? कौन बता सकता है बेवर के तीन शहीद कौन कौन थे? ये बिना देखे बताना, अभी आप बताओ कौन थे, देख के तो आप बता दोगे, बिना देखे कौन बता सकता है? हाँ बताओ, बताओ, चलो देख के बताओ। सीताराम गुप्ता, कृष्ण कुमार, श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी। अच्छा, भगत सिंह को कौन बन जाए? कौन थे भगत सिंह? देश को आजाद कराया है ना, और जवाहरलाल नेहरू को कौन जानता? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भाई वर्तमान में कौन है भारत के प्रधानमंत्री? वो श्री राम नरेंद्र मोदी। क्योंकि बच्चे उन झांसी की रानी को कौन बन जानता? कौन थी झांसी की रानी? कोई जानता है? किसने सुना है झांसी की रानी के बारे में? अपने
खुश भी रहे हो। सही तो बच्चों आज हम मतलब क्रांतिकारियों को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल को बम फेंका था जज के ऊपर, किंग्स कोर्ट के ऊपर, तो उनको याद करते हुए हम आज यहाँ आए हुए हैं।